चंद्र भगवान इसी बीच भक्ति रस के उद्बोध श्री राम चरितमानस से अंतर्गत आपको बात सुनने जा रहे हैं कि सारे संसार में प्रभु का कहना है कि इसे ब्रह्मा जी का भी अगर पद दिया जाए तो मेरे आगे कुछ नहीं। आज जब जमहाल से लौट कर भरत जी और शत्रुघ्न दोनों आते हैं, सारा हाल वक्र का देखा, मन वही घबरा गया कि न जाने क्या हो गया। पहुंचते हैं, ये पता लगता है अपनी माँ के कई को धुतकार रहे हैं कि हे बहन, तूने कुल का नाश कर दिया और तेरे साथ में मुझे भी कलंकित बना दिया। मेरे राम राजमहल के इस नौ दरवाजे में छोड़कर मुझे कैसे चले गए, क्या कह रहे हैं? रो रहे हैं कि आज प्रभु आप तो बर्बाद चले गए लेकिन मुझसे क्या कथा हो गई, आपने मुझे इस दशा में छोड़ गए, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु के राज में विचार करते कि जब मैं लौट कर आऊंगा और आप नहीं मिल पाओगे तो मेरा क्या होगा? क्या कहा कि राज में भैया निकल Oh,
युग भैया चले साथ रानी के कई पर कोटी होते हैं क्या कह रहे हैं के बिना मछली तड़प रही है। इस प्रकार आज भरत अपने प्रभु के उपयोग में तड़प रहे हैं। क्या हो रहा है? कि मछली की तरह है।
शत्रुधन जी आते हैं, कहा कि ये खुबड़ी तूने अपने बनाए घर को बर्बाद कर दिया, तुझे मन नहीं भाया। क्या कहा शिक्षक महोदय जी, आपका स्वागत वंदन है, आप आइए। क्या कहा कि राजा बनना राम का ना आया है हे मैया, कि इस खुबड़ी की आंख ने सुन कर के पकड़ा कर दिया कर दिया आपने, हद 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 कर दिया आपने। पर राजा बनना राम का, कहा कि गुरुदेव मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाए जो मेरे ऊपर जो लगा हुआ कलंक मिट जाए, मैं अपने प्रभु श्री राम को किसी भी तरीके से मना कर लेके आऊंगा, आप मेरे साथ चले। आज चित्रकूट जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं, पूरा राजपाट सेना अपनी माँ को तैयार करते हैं। इधर माँ कौशल्या के पास मैया के जाति की बहन, आप उस बावले से कह दो कि मुझे भी मेरे राम के पास ले चले। आज भरत जी तैयार होकर अपने प्रभु श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, पहुंचे हैं। तभी किरातों ने प्रभु श्री राम को सारा संदेश बतलाया, कहा कि भरत जी अपने राजबल के साथ में आपके पास आ रहे हैं, क्या होता है, क्या बात है। सारा हाल लक्ष्मण जी को बतलाते हैं। लक्ष्मण जी अपने प्रभु श्री राम के पास जाकर कहते हैं कि आज मैं भरत और शत्रुघ्न को दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। क्या कहा, आज भरत मौत के घाट उतारूंगा, कहा कि हमको असहाय जानकर लड़ने आया है, हमको असहाय जानकर लड़ने आया है, उसको राजवंश का घमंड आया है। इतना कह के धनुष बाण उठाया है, तभी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है कि उसे अगर ब्रह्मा जी का भी पद दिया जाए तो वो कभी राम के सामने नहीं आएगा। क्या कहा,
पृथ्वीराज मगन हो गए चाहे ब्रह्मा का पद पावे पृथ्वीराज मगन हो गए चाहे ब्रह्मा का ले जावे पृथ्वीराज मगन हो गए चाहे ब्रह्मा का ले जावे भैया भरत लड़ने को हमसे कभी ना आए क्या कहा कि भरत जैसा भाई समझो जरा समझाना समझो जरा समझाना समझो जरा समझाना तुम मेरी बात को समझो लक्ष्मी को समझा रहे तब मेरा भर की दुनिया नाम भर की दुनिया लड़के यहाँ मर जाना नाम भर की दुनिया लड़के यहाँ मर जाना नाम भर की दुनिया लड़के यहाँ मर जाना उस राज्य में न हो प्रभु तुम्हारे छोटे भाई भरत जी आपसे मिलने के लिए ललाए थे आपकी आज्ञा चाहते हैं तभी आज प्रभु के नेत्र भराए मेरा प्रिय भाई आया है कब का पिछड़ा चित्रकूट में आकर मिले हैं क्या कह रहे हैं यही संवाद को भरत मिलाप कहा जाता है कि आज पिछड़े हुए चित्रकूट में तोई भाई ने जैसे जैसे सावने में कोई प्यासी घटा आगे के आज पिछले Yeah.
सम्मानी श्री सुंदर जी पढ़ते मालवाड़ा की ओर से कंवर बिगड़ा सी परम श्री हरे सिंह जी उनके आपकी ओर से 30 रुपए गया सी परम सम्मानी इमरत उनके आपकी ओर से 30 रुपए गया सी परम सम्मानी श्री भैयालाल जी उनके आपकी ओर से 30 रुपए गया सी सम्मानी कावड़े इब्ने आपकी ओर से 30 रुपए गया सी परम श्रद्धे परम सम्मानी श्री जमुना प्रसाद जी ध्रुवे आपका आशीर्वाद 21 रुपए गिरा सी परम सम्मानी श्री सेन सिंह जी हियापुर आपका आशीर्वाद 21 रुपए गिरा सी और परम सम्मानी श्री मंगलू जी पढ़ते मालवा आपका आशीर्वाद 11 रुपए गिरा सी और परम सम्मानी मेरे कुंदलाल जी ध्रुवे शिक्षक मोदी डोरी वाले आपका आशीर्वाद 51 रुपए गिरा सी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कब के बिछड़े फिर आ जाकर मिले क्या कहा जैसे सावन जैसे सावन जैसे सावन जैसे सावन जैसे सावन में कोई प्यास घटा आके मिले में गिर पड़े ये बात जब लखन जी ने देखा तो नेत्र मिलाने के काबिल ना रहे कि मैंने मेरे भाई पर इतनी बड़ी शंका कर गया मेरा भाई तो मुझसे भी बड़ा प्रभु श्री राम का परम भक्त है क्या कह रहे हैं आया कर रहे हैं कहा कि भैया मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूं आप मेरे साथ लौट कर चलिए और आपका राजपाट संभालिए क्या कह रहे हैं
सम्मानी संपूजी हुई थी मालवाड़ आपकी ओर से 21 रुपए की राशि, सम्मानी अंकित जी पढ़ते मालवाड़ आपकी ओर से 11 रुपए की राशि, सम्मानी आदरणीय मेरे आदर्श भाई महेश जी विश्वकर्मा आपका आशीर्वाद 51 रुपए की राशि, और सम्मानी रजिन जी उनके आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। नाम स्पष्ट झलक नहीं रहा है, आप समझ लेना। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कह रहे हैं समय कम है, गाथा लंबी है। आज भगवान समझा रहे हैं कि देखो बहन जी, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आपको भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। मैं अपने पिता की जो वचन दिए थे 14 वर्ष वनवास रहूंगा और आपको राजपाट संभालना होगा। भरत जी ने कहा भैया काहे दौलत पे संसार क्रूर कर रहा है, मुझे धन दौलत से कोई जरूरत नहीं। ओहो चंद लाइन सुनो, उसके बाद में मुख बात है उस पर आ जाते हैं। क्या कहा सारी बात समझा कर प्रभु नहीं मानते, अपने भाई अपने भक्त को समझा देते हैं। अगर तुम नहीं जाते तो प्रभु आप मुझ पर एक दया कर दीजिए कि आपकी चरणों की रज मुझे दे दीजिए। आज प्रभु श्री राम की चरणों की चरण पादिका भरत जी ने लेकर अपने सर पर लेकर चले, प्रभु आशीर्वाद दे रहे। क्या कह रहे हैं जाओ भजाओ ले जाओ भजाओ प्रेम से रखना नगरी खुश रहना।
समझा रहे हैं प्रभु, क्या कह रहे हैं? तुम लोग कर जाओ पुरबाती में, तुम लोग कर जाओ पुरबाती में, तुम लोग कर जाओ पुरबाती में, सर पे खड़ा हो और अखियों में अंतिम बात इसके बाद में आगामी मंडल तैयार रहे।